ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। आप अपने घर में बरकत चाहते हैं, अपने घर में धन धान्य सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कुछ ऐसे चमत्कारिक तरीके जिन तरीकों को अपनाने से आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी। जिन भी जातकों को मैंने ये उपाय शेयर किया है, जिन्होंने किया है, उनके घर में बरकत बहुत होगी। अब आप कहेंगे बरकत से क्या लेना देना। बहुत से लोग बरकत को नहीं समझते होंगे। बरकत का मतलब है कि आप पर अगर बार बार कर्ज हो रहा है तो आपके घर में बरकत नहीं है। आपके घर में धन नहीं टिक रहा है तो आपके घर में बरकत नहीं है। आपका कोई काम नहीं हो रहा है, जो काम होने से आपके जीवन में एक बदलाव आएगा, तो आपके घर में बरकत नहीं है। और आपके जीवन में बहुत सी परेशानियाँ, जो आपका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही, तो समझिएगा कि आपके घर में बरकत नहीं है। और जब घर में बरकत नहीं होती, उसके लिए कई सारे प्रयत्न, कई सारे प्रयास करते हैं, तब जाकर घर में बरकत होती है, ईश्वर की कृपा होती है। पर आज मैं आपको कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाने से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। आप सभी का एक बार फिर से चैनल में बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। तो सबसे पहला तरीका है, अपने घर में बरकत अगर आप चाहते हैं, ये यूनिक तरीके हैं, इन तरीकों को आप आज ही उपाय में कर सकते हैं, अभी से अपना सकते हैं। ये कोई भी नेगेटिव नहीं है, ये सभी पॉजिटिव हैं और सकारात्मक में आप उपयोग करने पर इनका आपको अधिकतम फ़ायदा होगा। सबसे पहले आप एक काला कपड़ा लें। काले कपड़े में खेत की मिट्टी जो आती है, काली मिट्टी, वो रखें। या आपके इलाके में जैसी भी खेत की मिट्टी हो, भूरी हो, काली हो, रंग से कोई मतलब नहीं, पर अपने इलाके की जो भी मिट्टी हो, उसमें 2 नींबू 5 नींबू जो भी आप रखें, 5 नींबू रखें, और उस पोटली को बांध कर अपने घर के किसी भी कोने में ऐसी जगह पर रख दे जहाँ पर उसे पानी से बचाया जाए, चूहों से बचाया जाए, सुरक्षित हो, जिसे कोई भी हाथ न लगा सके, छू ना सके। उसे 365 दिन में एक बार वापस, जैसे 365 दिन हो, गुड़ी पड़वा से गुड़ी पड़वा रख ले, आज से आज का डेट लिख ले, तारीख लिख ले, अगली तारीख तक उसे उतार ले। पर हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तिथि के हिसाब से चलिएगा, तारीख में इस तारीख से न चलिएगा। और उसे किसी भी नदी में प्रवाहित कर देना, तो अपने घर में जितनी नेगेटिविटी होगी वो वहाँ पर केंद्रित हो जाएगी और घर के जितने सारे लोग हैं वो शुभ मंगल और कई सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी। ये बहुत चमत्कारिक उपाय है, इससे जिसने भी किया उन्हें फ़ायदा मिला है। पर इसे बहुत चुपचाप करना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, मतलब शांति से करना है, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि क्या है, बस चुपचाप आपको कर देना है। दूसरा उपाय करना है कि नियमित अपने घर में गीता का पाठ करें। अब बहुत से जातक समय समय पर गीता का पाठ करते हैं, पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप नियमित करें। आप चाहते हैं तो आप सुबह पढ़े, शाम को पढ़े, लेकिन गीता का नियमित पाठ आपको जीवन में करना ही होगा। अगर गीता का पाठ आप करेंगे तो घर में कई सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को आप स्वाभाविक रूप से बाहर कर देंगे। तीसरा है महिलाओं का सम्मान। जिस भी घर में महिलाओं का विशेष सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी की कृपा होती है, वहाँ पर बरकत होती है और वहाँ पर ईश्वर की असीम कृपा होती है। चौथा उपाय है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि अपने घर के बाहर पर घोड़े की नाल लगा कर रखें और घोड़े की नाल के ऊपर सिंदूर लगा कर रखें। ऐसी नाल ना लगा के रखें जो सीधी नाल आपको मिली या लाया बाजार से वो लगा ली, उस पर सिंदूर लगाएं। जो भी हमारे घर के पास बजरंगबली का मंदिर हो, वहाँ से सिंदूर लें थोड़ा सा और नाल के ऊपर लगाएं और घर के बाहर उसे टांगें। इसके अलावा दोस्तों, अपने घर के दरवाजे के बाहर जहाँ भी, जैसे जिस भी दिशा में मुख है, तो सूर्य को अर्घ घर के दरवाजे के बाहर से दे। मुखिया को अपने घर के दरवाजे से बाहर, जो हमारा मेन दरवाजा है उसके बाहर से आप देने की कोशिश करें। ये 11 दिन तक करें, इससे बाकी रेगुलर अपने घर की छत से दे सकते हैं, लेकिन 11 दिन तक बाहर दे, अपने घर की दहली से बाहर सूर्य को अर्घ दे, सूर्य को जल चढ़ाएं। इससे भी कई सारी चीज़ें जीवन में बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ उपाय थे जिन्होंने मैं आपसे शेयर किए, लेकिन और अच्छे उपाय आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं कुंडली को लेकर। ओम नमः शिवाय।